हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये SSDD के बारे में। और फ्रेंड्स, हमारे पास SSD है जो कि लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा SSD लगा हुआ है जो कि 240 GB का है। फ्रेंड्स, ये दोनों के बारे में चलिए आज हम लोग बात करते हैं कौन सा अच्छा होता है। फ्रेंड्स, ये SSD जो होता है फ्रेंड्स, महंगा होता है और आपको दो तरह का मिल जाता है देखने को। एक ऐसे लगता है जो कि वो महंगे वाले में लगता है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आप SSD की जगह पे भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, ये मेरे में SSD का जगह दिया नहीं था तो मैंने उसी पर लगाया है, जो कि आप देख सकते हो ये SSD है फ्रेंड्स, ये 2.5 SSD है। तो फ्रेंड्स, SSD क्या होता है कि थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत फास्ट होता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, ये मतलब IC जैसे आपके फोन में होता है तो वो IC बेस पे वर्क करता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको टूटने वगैरह का मतलब, आप कभी गिरा देते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये खराब नहीं होगा फ्रेंड्स। और ये हमारा SSD है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक छोटी सी CD होती है यहाँ पर, जो कि स्टोरेज उसकी कैपेसिटी होती है जितना भी, जैसे कि इसका 1 TB है तो 1 TB। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पहले देखे होंगे पुराने जमाने में CD प्लेयर, उसमें आप CD रख देते थे और वो अंदर जाता था और वहाँ पे एक ऐसे आता होगा, आप शायद आपने देखा होगा, तो अंदर में एक ऐसे आता था और इसमें CD पे लाइट मारता था और वही रीड करता था। तो फ्रेंड्स, वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है, और यहाँ पे एक CD होती है, एक छोटा सा मोटर होता है इसके अंदर, और ये ऐसे आके इस पे एकदम सेम टू सेम CD जैसा काम करता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि वो जो CD होता है वो डिलीटेबल होता है, मतलब कि आप उसमें आप डिलीट भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्पैक्ट डिस्क आता है जो वो बड़ा वाला CD, उसमें भी आता था फ्रेंड्स वैसे डिलीट करने वाला, लेकिन वो थोड़ा महंगा मिलता है और वो सस्ता मिल जाता है। जैसे कि आप उसमें रख दिए और फिर वो डिलीट कभी नहीं होगा, वो आपको जिसमें डिलीट हो जाता था वो 200 से 300 रुपये का मिलता था, और जो डिलीट नहीं होता था वो 40 से 50 रुपये में आपको इजिली मिल जाता था फ्रेंड्स। अब तो वो फ्रेंड बंद हो चुका है, वही मैकेनिज्म इसमें था फ्रेंड्स। इसमें मूविंग पार्ट होता है और अगर ये कभी गिर गया गलती से तो इसका मोटर वगैरह का सब सिस्टम खत्म हो सकता है, नहीं तो इतना मतलब बिगड़ेगा नहीं तो बिगड़ने का ज्यादा चांस इसका ही रहता है फ्रेंड्स। इसमें मूविंग पार्ट्स होता है फ्रेंड्स, मोटर जल गया या कुछ हो गया तो जल्दी बिगड़ेगा। और SSD का फ्रेंड्स लाइफ स्पेन थोड़ा ज्यादा होता है फ्रेंड्स, उतना ही नहीं ये थोड़ा स्लो होता है, मतलब रीड राइट स्पीड इसका स्लो होता है और SSD का थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत ही फास्ट होता है। और आप इसको मतलब ये वेस्ट ना हो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए इसमें यहाँ पर लगा लिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे CD लगा करता था और वो CD वाला सिस्टम फ्रेंड्स मैंने बोला को खत्म हो गया, कोई लगाता नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि ये लोहा का जो ये पैनल है वो आपको इसके साथ ही देखने को मिल जाता है, और ये जो निकलता था बाहर वो जो इसमें से CD वाला सिस्टम निकला वही वाला निकल के यहाँ पे लगा देना है आपको, और ये बस हो गया। और यहाँ पर आपको कोई बटन दिया हुआ है, देख सकते हो पहले ये CD वाला था जो कि अब काम नहीं करेगा, अब ये किसी काम का नहीं रहा। पहले यहाँ पर LED भी दी हुई थी जो कि अब नहीं ही काम करेगी क्योंकि वो हट चुकी है, तो कहाँ से काम करेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये मिलता है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसी में ये कस जाता है, जैसे कि ये इधर आएगा, मतलब उल्टा लगा दिए फ्रेंड्स, और ये इधर आएगा और ये धीरे से ऐसे आगे आके ये इसमें जा चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये स्क्रू से कस जाएगा और फ्रेंड्स ये हिलेगा भी नहीं और ये सपोर्ट भी करेगा, और ये भी हमारा लग गया और ये भी लग गया। और फ्रेंड्स, मैंने रैम लगाया है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो आप हमारे YouTube पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। SSD लगाने से आपका क्या होता है कि थोड़ा सा वो फास्ट हो जाता है, वो आपका जो लैपटॉप है जो थोड़ा स्लो चल रहा हो वो फास्ट चलने लगता है। और ये आप देख लेना कि आपके लैपटॉप में कितना का वो मतलब फ्रीक्वेंसी का और मेगाहर्ट्ज का सपोर्ट करता है, तो वही आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ये दोनों 5 वोल्ट पे ऑपरेटेड है जो कि लैपटॉप में बहुत ही जगह पे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो HDD वर्सेस SSD, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।